मैं अपने सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अचानक आपसे मिलने का मौका मिला है। और कल रात से ही या कल शाम से या पहले से ही पूरे देश के लोगों को चिंता थी, और हाल ही में जो अखबारों में पढ़ने का वो मिल रहा था, सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही थी, और चुनाव बहुत करीब आ गया है, उस समय दिलचस्पी और बढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के अलावा बहुत अलग तरह से तैयारी करती है। जो अलग तरह के तैयारी होती थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करते थे, लेकिन कोई बात ऐसी नहीं कह पाते थे जिस पे जनता को ज्यादा भरोसा होता। जो बात इलेक्ट्रोल बॉन्ड की आई है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड काले धन को सफेद करने की भाजपा ही गारंटी है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर के बहुत चर्चा हुई है, और उसको कभी कभी ये कहा जाता है कि चंदा है, लेकिन भाजपा की सरकार में ये चंदा नहीं है, ये वसूली है। जिन्होंने केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के डर से इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिए, दरअसल वो वसूली है। सही मायनों में चंदा तो उन्हीं को मिला है जिनकी सरकार नहीं है, जो काम नहीं करा सकते हैं, लोन माफ नहीं करा सकते हैं, या सरकारी ठेके नहीं दिलवा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा मिला है वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लेकर के वसूली है ये। और इसका असर देखिए, जिन प्राइवेट कंपनियों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स इतने बड़े पैमाने पे लिए हैं, प्राइवेट नौकरी करने वाले सोचें कि अगर ये चंदा नहीं दिया गया होता तो इस लाभ के हिस्से से कंपनी वाले अपने एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाते,